कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। ये कहानी बिल्कुल फिल्मी जैसी है। अपने गुनाह और अदालत में चले आ रहे मुकदमों से पीछा छुड़ाने के लिए स्टेटिस्टिकर दिलशाद ने अपने दोस्तों संग कुछ ऐसी प्लानिंग कर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। दिलशाद ने अपनी पहचान के एक मंदबुद्धि युवक की हत्या कर उसे अपना रूप दे दिया। ऐसा उसने शव के लोअर की जेब में अपनी पहचान के ऐसे कागजात रख दिए जिससे लगे कि मरने वाला व्यक्ति दिलशाद है। पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा चाकू से गोद दिया गया और उसके बाद पत्नी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि मरने वाला दिलशाद है। 3 माह की अथक मेहनत के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर दिलशाद को गिरफ्तार करते हुए इस अजीबोगरीब कांड का खुलासा कर दिया। दिलशाद के साथ ही पुलिस ने मुसाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजपुर हापुड़ निवासी दिलशाद ने मुसाहिद पुत्र इरशाद व रिहान पुत्र इस्लाम निवासी तोड़ी थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। रिहान की तलाश जारी है जबकि प्रकरण में हकीकत में मारे गए युवक का नाम आकाश प्रजापति निवासी नूह हरियाणा है। अब सुनिए पुलिस कप्तान रोहित सजवान की जुबानी दिलशाद व उसके दोस्तों की कहानी। ये थाना खरकौदा के अंतर्गत 30/9/2023 को सुबह एक अज्ञात शव मिला था जिसमें कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। साथ में जो पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसका जो चेहरा है उसको भी उसका जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो नियम होता है उसके अंतर्गत 72 घंटे तक इसको रखकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और पहचान के लिए प्रयास किया गया था जिसमें कि पहचान नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ इसमें अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अज्ञात व्यक्ति को मारने के लिए 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस की टीम लगातार ही इस बात के लिए लगी हुई थी कि इसकी पहचान हो जाए और जिसने हत्या की है उसकी गिरफ्तारी हो जाए। इस क्रम में पुलिस के द्वारा जो पहचान की गई है मृतक के शव की वो आकाश प्रजापति जो कि जनपद नू जिला नू का रहने वाला है हरियाणा का, वहाँ पे मजदूरी करता था, थोड़ा मंदबुद्धि का भी था। साथ ही साथ इसको मारने वाले दो अभियुक्त दिलशाद और मुसाहिद को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया। इसमें जो दिलशाद है ये थाना हाफिजपुर का HS अपराधी है, हिस्ट्री शीटर अपराधी है और इसके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे दर्ज है और इसके सारे जो मुकदमे हैं वो न्यायालय में विचारण में चल रहे हैं। तो अपने मुकदमों में अपनी कार्रवाई को खत्म कराने के उद्देश्य इसके द्वारा बहला फुसलाकर आकाश प्रजापति को यहाँ पे लाया गया और वहाँ पर दिलशाद ने मुसाहिद और इसका एक अन्य साथी है उसके सहयोग से इसकी हत्या कर दी और उसका चेहरा का स्वरूप बिगाड़ दिया जिससे कि उसकी पहचान दिलशाद के रूप में हो और इसके सारे आपराधिक जो मुकदमे हैं वो न्यायालय में खत्म हो जाए। तो इसको गिरफ्तार किया गया, इसके इनके पास से जो चाकू जिससे इन्होंने हत्या की वो भी बरामद किया गया है और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। तीसरा अभियुक्त वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारी पुलिस की टीम गई है, वहां से उसको गिरफ्तार करके उसको जल्दी लाएंगे और फिर ये जो केस है इसको इस तरह से वर्कआउट किया गया है। ये जब ये शव मिला था उसके 1-2 दिवस के भीतर एक महिला गाजियाबाद से आई थी और उसने अपना नाम जो बताया उसने कहा कि ये संभवतः मेरे पति दिलशाद है, लेकिन क्योंकि किसी भी तरह से उनका हुलिया या कोई और चीज़ उससे मैच नहीं खा रही थी तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ उस वक्त कि कैसे क्यों इसने अपने पति की पहचान इस तरह से करने का प्रयास किया है। इसी वजह से और भी 1-2 चीज़ें मिली थी उसके माध्यम से पुलिस के द्वारा लगातार इस परिवार के ऊपर सर्विलांस रखा जा रहा था। साथ में ही जो महिला है क्योंकि इसका जो पति दिलशाद है ये वहाँ घर पे भी नहीं आता था, ये गायब था लंबे समय से, तो ये दिखाने का प्रयास था कि पति की हत्या हो चुकी है और जिससे उसकी पहचान दिलशाद के रूप में हो, लेकिन पुलिस ने लगातार ही उनकी जो गतिविधियां महिला की और अन्य लोगों की दोस्तों की इसकी जो दोस्त हैं उनकी गतिविधियां को भी मॉनिटर किया जिससे कि ये पता चला कि दिलशाद वास्तव में जिंदा है और उससे फिर पूछताछ करने पर ये निकल के आया कि दिलशाद के द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई थी और ये योजना बनाई गई कि अगर दिलशाद मर जाएगा तो न्यायालय के सारे मुकदमे उससे खत्म हो जाएंगे। ये दोस्त हैं और ये एक साथ इन्होंने मजदूरी वगैरह भी एक साथ कार्य करते थे और इनके द्वारा ये पूरा प्लान जो है, पहले इनका प्लान था कि एक राशिद नाम के व्यक्ति को मार दें और उसको दिखा दें कि ये दिलशाद है, लेकिन बाद में जब वो प्लान उनका सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने आकाश प्रजापति जो नूह में इनका जानने वाला था दोस्त था उसको वहां से बुला के लाए और शराब वराब पिला के फिर इसकी हत्या कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।